उसी समय का 200 साल पुराना गेट और ये दिल्ली सुपर स्टाइली मस्करा ने अपने शादी के लिए उन्होंने शादी की तो सबको आमंत्रित किया लेकिन उन्होंने क्या मित्र कम्युनिटी को छोड़ दिया। नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से। अभी आप मेरे सामने जो एक 200 साल पुरानी हवेली देख रहे हैं, अभी हम हैं मंडावा के नज़दीक। एक शहर है मैनसर, गांव है, छोटा सा हेरिटेज विलेज है। अभी हम हैं मैनसर में तोलाराम जी मस्करा की हवेली में। तोलाराम जी मस्करा एक बहुत ही बड़े मर्चेंट थे और उनकी ये हवेली है जो ये आप ये देख रहे हैं। अभी वो लोग कलकत्ता रहते हैं और ये जो आप हवेली देख रहे हैं ये उनका रेजिडेंशियल एरिया था। और जो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये वो उनकी थी रसोई घर जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। और ये बीच में इनकी जो भी स्ट्रक्चर होता था उस टाइम की लेविस लाइफ स्टाइल का ये एक नमूना जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। फिर अपन बढ़ते हैं उनके एक उनका फेमस तोलाराम जी इसलिए थे कि उनका एक महफिल खाना फेमस था, तो वो हम आपको महफिल खाना भी दिखाएंगे। और ये उसी समय का 200 साल पुराना गेट और ये दहलीज, जो कहते हैं दहलीज महिलाएं पार नहीं करती थी, वो यही दहलीज थी जो महिलाएं पार नहीं करती थी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और उससे पहले मैं आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाना चाहूँगा जो फ्रूट कलर्स से बनी हुई थी। राजस्थान में सिक्कर शेखावटी एरिया में 1940-38 के करीब ट्रेन आई थी, तो उससे पहले सेठ साहूकार लोग ये ट्रेन बाहर से देख के आते थे और फिर यहाँ पे अपने पेंटर्स से पेंटिंग बनवाते थे। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं ये ब्रिटिश काल की जितना उनको याद रहता था वो उनको बताते थे और वैसी की वैसी पेंटिंग, ताकि यहाँ के लोग इस पेंटिंग्स को देख सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी इसमें कलर हैं वो फ्रूट वेजिटेबल्स से बने होते थे, इसलिए इनको फ्रेस्कोज कहा जाता है। और ये हवेली का गेट मैं आपको दिखाऊं, ये सिंगल पीस में बना हुआ है और ये गणेश जी की प्रतिमा है इधर। और ये गेट है जिन केयर टेकर सर ने कहा है मेरे को इसको वापस से बंद करना पड़ेगा हमें। तो आगे चलिए आपको तोलाराम जी मस्करा का महफिल खाना दिखाते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। आप एक बात सोच के देखिए कि 200 साल पहले यहाँ पे क्या रौनक हुआ करती थी और किस तरीके से लोग यहाँ रहा करते थे। कहते हैं सेठ जी 10-12 साल पहले यहाँ आए थे तो इसको पूरा रिनोवेट किया था, उन्होंने कोई हवन कुंड करवाया था और 10 दिन यहाँ रुके थे। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई अपना आदमी यहाँ के ऑनर वगैरह इसको संरक्षित करते हैं। तो आगे आपको यात्रा में अपन लेके चलते हैं, आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं बोलूँगा इनको। और आपके महफिल खाना बनवाया था कि पहले जो लेविस स्टाइल होती थी उसमें पहले ये क्या करते थे, पेंटिंग्स पे खर्चा करते थे, उसके बाद में महफिल खाना इन्होंने बनवाया था। जो आगे की जानकारी हमारे भाई साहब राजेश जी जो यहाँ के ही लोकल है, अगर आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप कहीं घूमने यहाँ का ये जो चीज़ें हमारा वीडियो देख के कोई राजस्थान से बाहर का आदमी है या शेखावटी एरिया का और कहीं का भी हो अगर घूमने का सोच रहा है यहाँ पर, तो राजेश जी का हम नंबर दे देंगे, बहुत अच्छी तरीके से ये दिखाएंगे। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं 2-4 दिन पहले का एक शादी में गया हुआ था तो वहाँ पे औरतें गाना गा रही थी, एक राजस्थानी गीत गा रही थी कि आओ तुम्हें घुमाने चलते हैं तोलाराम जी का मस्करे का महफिल खाना। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है वो राजेश जी बताएंगे। मैं इतना सर्च करके फिर यहाँ पर पहुँचा था और राजेश जी हमें मिले हैं, आगे की जानकारी हमें राजेश जी देंगे कि इस गीत के पीछे क्या कहावत है। नमस्कार, आइए। तो देखिए ये जो महफिल खाना है वो करीब करीब 1905 के अंदर सेठ सुबक्स राय जी मस्करा ने बनाया था। बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था कि उनके लड़के की शादी के लिए उन्होंने इसका निर्माण कराया। इसको खोलेंगे अपन। खोलने के लिए आपको थोड़ा जोड़, कमरे का निर्माण है उसके बारे में बताया जाता है कि हवेली तो कम से कम 150 साल पुरानी है जो हमें पीछे दिख रही है, जिसका एंड तक आप देख पा रहे हो। और ये कमरा सेठ सुबक्स राय जी मस्करा ने अपने पुत्र की शादी के लिए बनाया था। अच्छा। और शादी के बनाने के बाद ये देखिए एक उनका बड़प्पन था कि उनके पिताजी का नाम तोलाराम जी था, उसके बाद इसको तोलाराम जी मस्करा का कमरा के नाम से जाना जाने लगा। अब आप कह रहे हो महिलाएं क्यों गीत गाती है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट ये था कि जब सेठ जी ने शादी की तो सबको आमंत्रित किया लेकिन उन्होंने क्या मित्र कम्युनिटी को छोड़ दिया। मित्र जो सफाई वाले होते थे और उनका इम्पोर्टेंस उस जमाने में बहुत था, तो उन्होंने वो उनसे नाराज हो गए। तब उन्होंने उनको बोला कि भाई आप आओ, आपको मैं
चांदी की छाजला और झाड़ू सोने की अच्छा। प्रतीकात्मक रूप में उपहार किया और उससे वो बहुत खुश हुए और उसके बाद ये गाना प्रचलन में चल गया कि चालो जी चालो थाने मैनसर को तोड़ा राम जी को कमरो अच्छा। दिखा। तो ये आपने वहां सुना था। अब बात करते हैं इसकी, तो इसकी ये है जो करीब करीब इसको 1905 में बनाना शुरू किया था और 1907-08 में ये बन के तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ शादी हुई और उन्होंने अपने पुत्र की शादी के लिए किया। अब देखिए सबसे सुंदर बात क्या है कि ये जो आर्च है, कैमरामैन साहब को मैं बोल दूंगा इस आर्च को दिखाएं, इतनी बड़ी आर्च शेखावाटी में कहीं भी नहीं। ये आर्च है वो इस रूम को बहुत ही सुंदर बनाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ये आर्च है इसमें ना कोई आयरन रोड है ना कोई वुडन रोड है अच्छा। ये छोटे छोटे पत्थर को जोड़ के बनाई जाती तो है। इसमें तो समय तो खूब लगा होगा इस हिसाब से। हाँ, तो इसमें दो बातें और बोली जाती है, लोग इसको मुगल आर्च भी बोलते हैं, मैं इसको बंगला आर्च बोलता हूँ क्योंकि बंगाल से ही आई है और इसमें कोई वो उकेरिंग नहीं है। छोटी छोटी आर्च के बीच में आर्च होती है, वो थोड़ी मुगल आर्च होती है, बाकी ये प्लेन आर्च है। दूसरी बात, ये तोड़ाराम जी का महफिल खाना था। देखिए उस जमाने में ना टीवी था ना रेडियो था ना टेलीविजन था, कुछ भी नहीं था, तो एंटरटेनमेंट नृत्य हुआ करता था और उस जमाने में नृत्य मतलब नृत्य ही होता था, तो वो प्रोफेशनल डांसर्स कोई अश्लीलता नहीं होती, अश्लीलता नहीं होती थी। आप आज भी देखेंगे 90s, 60s, 70s, 80s की फिल्मों में, तो इधर से मैं दिखाना चाहूंगा, प्रोफेशनल तीन डांसर्स यहाँ रहती थी, ये उनके कमरे थे सामने की ओर, और वो जब डांस के लिए आती तो वो इधर से आके अपने आप को यहाँ पे बेल्जियम ग्लास, अब आप ये दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, ये उस जमाने में बेल्जियम से इंपोर्ट किया हुआ ग्लास है, उसमें अपने आप को वो देखती कि कैसे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ डांस परफॉर्म करती, दोनों साइड म्यूजिशियन बैठते और नीचे बड़े बड़े मीटर्स पे सेठ जी बैठ के देखते। महिलाओं की इज्जत, देखिए मैं तो हमेशा से मानता आ रहा हूं कि महिलाओं को लड़ाई का अधिकार, महादेवी वर्मा नाम से बहुत अच्छी कवियत्री हुई है और पुराने जमाने में भी मैंने जहां तक सुना है पढ़ा है कि राजाओं के साथ उनकी रानियां दरबार में बैठती थी, तो महिलाओं का उस मतलब समय भी राजनीतिक फैसले वो भी लिया करती थी, सुनने का हक था, कहीं कहीं देने का भी हक था, बट ये नहीं है कि महिलाओं की इज्जत नहीं थी, महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, ये सब अलग अलग बातें। बहुत अच्छी अच्छी विद्वान स्त्रियां भी हुई है पुराने, आप पौराणिक में जाएंगे तो। दूसरी, उस जमाने में भी महिलाओं का इतना ख्याल रखा गया था कि उनके लिए बालकनी बनाई है अच्छा। कि वो भी अगर नृत्य देखना चाहे तो ये बालकनी से वो बैठ के इस नृत्य को देख सकती थी। देखिए ये कमरा स्क्रिप्ट है, इसको कमरा क्यों बोलते हैं तो मुझे किसी ने बताया नहीं है, केवल मैंने दिमाग लगाया है कि कमरा मतलब ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अच्छा। तो इसको इसीलिए कमरा बोलते हैं, जैसे हमारे घर में बोलते हैं सामने ये कमरा वो कमरा बैठक, तो वो एक ही होती है, तो आप इस पूरी बिल्डिंग में देखेंगे ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ऊपर से भी, कि आप किसी भी कमरे से निकल के इधर की बालकनी से, तो बेसिकली महफिल खाने वो एक कमरे के जैसे ही होते थे। तो उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो रूम है वो उस समय की स्थापत्य कला का बहुत बड़ा नमूना है। तो इसमें हम देखेंगे ऊपर पेंटिंग बनी हुई है, आप देखेंगे वो पेंटिंग जैसे ऐसे लगती है जैसे आज बनाई हुई है। ये सभी फ्रेस्कोज है, ये सभी फ्रेस्कोज उसी जमाने की है। मोस्टली ये कमरा था तो इसमें डेकोरेटिंग फ्रेस्को ज्यादा है। अभी मैं नीचे खड़ा हूं बट मैं कैमरामैन भाई साहब को बोलूंगा कि इस कमरे को जो ऊपर की ओर उनके बैक साइड में जो रूम है उसमें दिखाइए अच्छा, उसमें प्रकृति के साथ काफी जुड़ाव है, इसमें पेड़ बने हुए हैं, पौधे बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो सभी ये दिखाने का प्रयास करें क्योंकि काफी मात्रा में लोग, काफी संख्या में लोग यहाँ पे प्री वेड शूट कॉस्ट्यूम शूट के लिए आते हैं और ये उनको एक डिफरेंट लुक भी देता है। मैं फिर उनको ये भी बताना चाहूंगा कि वो ऊपर से इन बेल्जियम के सेंडिलियर्स जो झाड़ फानूस है ये इस कमरे में इतने ज्यादा लगे हुए थे, पर क्या है कि कबूतर हैं, कबूतर यहाँ बहुत ज्यादा आते थे और कमरा बंद रहने के कारण वो एक दूसरे झगड़ते थे तो ये टूट गए थे। तो मैं दिखाना आप सहबाज सर, मैं आपको बोलूंगा इधर दिखाइए आप। तो ये जितने भी झाड़ फानूस लगे हैं बेल्जियम और ऑस्ट्रिया दो जगह के हैं, आपको मैं बोलूंगा आप थर्ड वाली उस रो में आए, तीसरे वाले से आके दिखाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस जमाने में लाइट नहीं थी तो स्मोक फ्री कैंडल आती थी, वो यहाँ लगा के लाइट जलाई जाती थी। और लास्ट स्मोक फ्री कैंडल, लास्ट बार इन पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा मोम निकल रहा है, तो मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं लोंग लाची पार्ट 2 पंजाबी मूवी का सॉन्ग यहाँ शूट हुआ था, तो उस समय इनको एक बार जलाया गया था, तो वो जो मूवी देखेंगे
तो वो स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीचे का हम व्यू दिखाएंगे, ऊपर से आप कैप्शन लेके नीचे की ओर वापिस आ जाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं तोड़ाराम जी मस्करा के महफिल खाने के ऊपर से महेंसर के गढ़ का व्यू। महेंसर गढ़ परिसर में अभी नारायण निवास कासल के नाम से होटल चलता है, जिसमें आप आके ठहर सकते हो, रुक सकते हो। और गढ़ का वीडियो हमने पहले भी दिखा दिया है, और दर्शकों की डिमांड रही तो आगे भी हम इसके रिलेटेड वीडियो आपको दिखाएंगे। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं अभी हम तोलाराम मस्करा के बैकयार्ड, यानी उस टाइम पे फ्रंट था, अभी बैकयार्ड हो गया है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जैसा कि राजेश जी ने बताया, अभी अपन जो फर्श यूज करते हैं उस पे कलर भी होता है, कुछ भी होता है, तो उतर जाता है। लेकिन ये आप देखिए 100-150 साल पुराना, अभी तक उस वैसे का वैसा ही है, जबकि ये फ्रेस्को है, वेजिटेबल और फ्रूट से लिए हुए कलर है। देखो इस फ्लोर पैटर्न को मैं बोलूंगा, इनको ये दिखाते जाए, ये उस जमाने में दरी के जैसा बनाया है। हाँ। और आज अगर हम कोई कपड़ा दरी लेके आते हैं, दूसरी तीसरी वॉश में उसका कलर उड़ जाता है। दूसरी बात, ये उस जमाने में सेठ होने कलकत्ता वो रहते थे, तो कलकत्ते का स्ट्रक्चर देखो, इसमें हमें तीन चार चीजें शैली देखने को मिली, राजपूत शैली पेंटिंग्स, वेस्टर्न शैली, ये वेस्टर्न जो उस जमाने में यूरोपियन कल्चर से सबसे पहले बंगाल आई, उसके बाद ये आप देख रहे हैं चारों ओर ये पिलर्स लगे हुए हैं, ये ग्रिल मैं दिखाना चाहूंगा, ये ग्रिल उसी जमाने के ग्रिल है, ये दिखाएं, ये ग्रिल सेम उस टाइम 1905 वेल्डिंग का कोई आविष्कार, हाँ वेल्डिंग होती नहीं थी, रिपट सिस्टम होता था, तो जॉइंट नहीं होते थे इनमें, केवल रिपट होती थी। तो ये ग्रिल, ये सारी चीजें, और आप देखेंगे जमाने में लाइट नहीं थी, तो ये देखिए ऊपर जितने भी हुक्स बने हुए हैं मैं दिखाना चाहूंगा, लालटेन के लिए, ये डेकोरेटिंग और लालटेन, इनमें कभी कभी फूलों की मालाएं, कलरफुल दुपट्टे और ऑयल फ्री लैंप्स लगा के वो करते थे। और जब लाइट आई पहली बार यहाँ पे 90 के दशक में जब लाइट आई, हाँ तो 80 और 90 के दशक में जब लाइट आई, तो उसी जमाने की ये फिटिंग और उसी जमाने के ये कॉलोनी के स्टाइल के गेट, और साथ में बेल्जियम ग्लास जो कि दिन के टाइम में सूरज की रोशनी से अपने आप अंदर की ओर चमकता है, ब्लू कलर का था तो ये ब्लू रोशनी होता था, अंदर लाल ब्लू अलग अलग टाइप के अलग अलग ग्लास थे। तो हम जैसा कि सेखावाटी को चमकाने के लिए फिर प्रयास कर रहे हैं भरपूर, आपसे भी हमारा यही निवेदन रहेगा, किसी न किसी मॉडल ने यहाँ खड़ा होकर वो किया होगा, हम चाहते हैं आप भी अपने, हम जितने भी सेठ साहूकार इस इलाके से, उनसे भी कि कम से कम वो अपनी प्रॉपर्टी को एक बार आके देखें, उसको दोबारा से रन करें, उसकी साफ सफाई कराएं, और जितने भी सेखावाटी के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, अपनी विरासत को एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। अगर आपको हमारे इन वीडियोस से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ऐसी चीज़ें बताएं, जैसी आपके घर के आसपास भी हो, कोई बाहर से भी देख रहे हैं सेखावाटी से, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उस जगह को भी कवर कर सकें। धन्यवाद हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है।